नमस्ते, माध्यमिक न्यूज रे में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब वीडियो में हम एचएस फिलोसफी उच्च माध्यमिक दर्शन शास्त्र का क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखेंगे। चलिए देखते हैं। फिलोसफी फुल मार्क्स 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट क्लास में स्कूल में होता है और 80 रिटेन लिखना होता है, जिसमें से पार्ट ए में 40 मार्क्स और पार्ट बी 40 मार्क्स, 40 40 80, टोटल 80 का रिटेन। इसमें बी क्वेश्चन जो है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आर टू बी नोटेड, तो विकल्प दिया रहेगा 8 5 40, ए बी सी डी ई। ए नंबर क्वेश्चन जो है प्रोपोजिशन अर्थात तर्क वाक्य से आएगा, तर्क वाक्य पार्ट से ए नंबर क्वेश्चन आएगा। बी नंबर क्वेश्चन साक्षात अनुमान इमीडिएट इन्फ्रेंस से आएगा। सी नंबर क्वेश्चन जो है निरपेक्ष न्याय वाक्य कैटेगोरिकल सीलॉग, कैटेगोरिकल सीलॉग चैप्टर से सी नंबर क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी जो है मिल्स मेथड, मिल की पद्धति से क्वेश्चन नंबर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर ई इंडक्टिव फैलेसी आगमनात्मक दोष, आगमनात्मक दोष से क्वेश्चन नंबर ई रहेगा। तो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे लिखने के लिए कहा गया, 5 प्रश्न आपको लिखने के लिए कहा जाएगा, जिसमें से जिस जिस चैप्टर से जिस जिस क्वेश्चन नंबर में है वो यहाँ पर है। आपका क्वेश्चन नंबर ए तर्क वाक्य से आएगा, क्वेश्चन नंबर बी साक्षात अनुमान से, सी निरपेक्ष न्याय वाक्य से, डी मिल की पद्धति और ई आगमनात्मक दोष। इसके अलावे बी क्वेश्चन और किसी भी पार्ट से नहीं आएगा, नहीं आता है। अब 2015, 16, 17 और 18 के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। ये बोर्ड का निर्देश है कि इसी आधार पर क्वेश्चन नंबर पार्ट के हिसाब से क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, हो गया 40 नंबर। अब आगे पार्ट बी एमसीक्यू है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग 24, कुल 24 है, जो अपने आप में बहुत ही बड़ा मार्क्स है। ये जो है आपका ए टू एक्स नंबर है, लेकिन इमीडिएट इन्फ्रेंस और इंडक्टिव फैलेसी से नहीं रहेगा इसमें, तो इमीडिएट इन्फ्रेंस और इंडक्टिव फैलेसी से कोई भी प्रश्न क्वेश्चन नंबर ए में एमसीक्यू में नहीं आएगा। तो इमीडिएट इन्फ्रेंस और इंडक्टिव फैलेसी का एमसीक्यू वगैरह करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों से भी क्वेश्चन आ रहा है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अल्टरनेटिव आर टू बी नोटेड। 16 मार्क्स का है, जो अपने आप में ये भी बहुत बड़ा मार्क्स हुआ। ए टू पी क्वेश्चन नंबर है, लेकिन प्रोपोजिशन कैटेगोरिकल सीलॉग मिल्स मेथड इंडक्टिव फैलेसी से कोई भी प्रश्न इस क्वेश्चन में नहीं आएगा। मिल्स मेथड इंडक्टिव फैलेसी कैटेगोरिकल सीलॉग और प्रोपोजिशन से कोई भी प्रश्न, इन 4 पाठों से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, तो इसके लिए आप इन 4 पाठों को न करें। तो क्या रहे, ये क्वेश्चन पैटर्न है पूरा हुआ, इसी पर क्वेश्चन पेपर बनता है और आगे भी बनेगा। धन्यवाद।